माता रानी के महापर्व नवरात्रे में लोग मिट्टी से बनी मूर्तियों की उपासना करते हैं और पूरे 9 दिनों तक भक्ति में लीन रहते हैं और फिर उसके बाद कन्याओं का पूजन भी करते हैं। वहीं जिला मुख्यालय में दिल को झिंझोरने वाली घटना सामने आई है। लगभग संध्या के समय किसान भवन के पास रंगमंच के नीचे एक कलयुगी माँ ने अपनी पूर्ण स्वस्थ नवजात शिशु को लवारिस हालत में छोड़ लापता हो गई, जहां पर भूखी प्यासी नवजात शिशु रोते बिलखते रही। वहीं एक युवक ने हिम्मत दिखाते हुए नवजात शिशु को गोद में उठा लिया। युवक करण यादव ने पास में रहने वाली महिला के यहाँ से दूध मंगाकर बच्ची को पिलाया और वहीं पर दूसरी तरफ लोग लावारिस हालत में छोड़ने वाले निष्ठुर माता पिता को कोसते रहे। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बच्चे को जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर बुधेश्वर वर्मा ने बच्चे की स्वास्थ्य का परीक्षण किया और बच्ची को स्वस्थ बताया। वहीं बताया जा रहा है कि बच्चे के कपड़े जिला हॉस्पिटल की तरह ही हैं और नवजात बच्ची जिला हॉस्पिटल से दिए जाने वाले किट व कपड़े पहने हुई थी, क्योंकि बच्चे की नाल में जिला हॉस्पिटल में लगाए जाने वाली क्लिप लगी हुई है, जिसके चलते डॉक्टर और नर्स ने बच्चे की डिलीवरी जिला हॉस्पिटल में ही होने की आशंका व्यक्त की है। और वहीं बताया कि नवजात शिशु का जन्म 48 से 60 घंटे पहले हुआ है। वहीं बेमतरा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या बात है? भैया बताइए, बोला बच्चा पड़े इसी के ओकर बाद मैं गया हूँ तो धोखे ओके हूँ ओकर बाद फिर आंटी ने बोला हूँ दूध मिल जाएगा आंटी से, मिल जाए बेटा कौन पिलाई, मैं पिलाऊँ आंटी से, पिलाया उलाया ओकर बाद फिर ना दीदी कॉल करी से वैसे भैया पुलिस वाले मन भैया मन ओकर बाद फिर ना उठाया हूँ कौन उठाई से बोले तो मैं उठाया हूँ ओकर बाद गाड़ी में बैठे फिर सरकारी अस्पताल लिखे। कहाँ पर के मामला है? कबीर कुटी के पीछे तुम्हें पास किसान कि मैं देहात गया हुआ था घुटने करें, वहाँ से वापस आते समय मुझे जानकारी मिला कि ये किसान ऑफिस के पास में किसान कार्यालय है, वहाँ पर मंच के पास में एक नवजात शिशु का असुरक्षित रूप से छोड़ दिए। इस सूचना पर तत्काल में अपने स्टाफ के पास वहाँ पहुँचा और देखा कि वहाँ पर लोगों को भीड़ लगी थी और एक करण यादव नाम का व्यक्ति जो है उस बच्चे को संभाल कर रखा था। तत्काल उसको सुरक्षित रूप से ले जा करके जिला अस्पताल में भर्ती कराए हैं। बच्ची सुरक्षित है, जीवित है और किसी प्रकार की उसमें वो नहीं है। अभी उनके वारिसानों का पता नहीं चला है, पता किया जा रहा है। कितने महीने की बच्ची होगी? लगभग अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ करने पर बताया कि लगभग 2-3 दिन पहले का इनका डिलीवरी हुआ है, ऐसा बताए हैं और आपका पता किया जा रहा है। जी JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।